दोस्तों इस एपिसोड में हम देखेंगे कि ताई किडनैप अपने आप को की रहती है और फिर इधर सुरभि और कार्तिक दोनों खड़े रहते हैं। उसके बाद उधर से ताई पूरे फैमिली के साथ में आ जाती है। फिर उसके बाद इधर कार्तिक पूछने लगता और दौड़ के जाके ताई को गले लगा लेता है। फिर उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड आता है और कार्तिक को एक सीडी देता है। वो कहता है कि ये सीडी किसी ने फेक कर गया और इसके पे कार्तिक का नाम लिखा हुआ यानी आपका। और फिर उसके बाद कार्तिक वो सीडी जाके टीवी में लगाता है और चेक करने लगता और फिर देखता है कि वो सीडी जो होती है खाली रहती है। यह देखकर ताई एक बार तो बौचक हो जाती है थोड़ी और फिर उसके बाद मुस्कुराने लगती है सुरभि की तरफ देखकर। और फिर सुरभि के पास जाकर कहती है, देखा मैंने कैसा शौक दिया तुझे, तेरे अंदर का पूरा धक धक कर रहा है ना। और फिर उसके बाद सुरभि कुछ सोचती ही रहती है तब तक वीडियो चलने लगती है जिसमें दिखता है कि सुरभि ताई को और प्यारे को और बिंदु को सबको वो मार रही है और उसमें ये भी कह रही है कि तुम लोग मेरे पति के पैसे पे पल रहे हो और तुम लोग को मैं मार के इस घर से निकाल दूँगी। और फिर ये सब उस वीडियो में दिखता है और ताई को वो इलेक्ट्रिक शॉक दे रहती है और ये भी कार्तिक देखता है। और ये सब देखकर कार्तिक काफ़ी दंग रह जाता है और उसके चेहरे का जो रंग होता है उड़ जाता है। और फिर सब लोग उसमें ताई को जो सुरभि कहती रहती है जो डबिंग की रहती है उसकी नकली आवाज़ का, जो कि ये सब सुरभि नहीं की रहती है, सिर्फ ताई उसे ऐसा करने के लिए बोली रहती है। जो ताई कराई रही होती है वही सुरभि की रहती है। फिर यह देखकर सुरभि काफ़ी ज़्यादा डरी हुई रहती है कि अब कार्तिक जी क्या करेंगे। फिर उसके बाद सुरभि को ये वीडियो देखकर कार्तिक जो होता है काफ़ी गुस्सा हो जाता है और सुरभि के ऊपर और आके पूछने लगता है, सुरभि ये सब क्या है। फिर उसके बाद ताई आगे फिर से चाल चल जाती है और वहाँ से आके सुरभि के पैर के पास बैठकर उसके हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगती है। कहती है कि सुरभि मेरे को नहीं मालूम ये सीडी किसने निकाली, आई शपथ मैंने मेरे को नहीं मालूम ये किसने निकाली, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मेरे साथ फिर से गलत ऐसा मत करना, मैं माफ़ी मांगता हूँ। और कार्तिक को भी बोलता हूँ तेरे को कुछ नहीं बोलेगा वो। फिर उसके बाद कार्तिक को गुस्सा आ जाता है और फिर सुरभि के पास आके पूछने लगता है कि सुरभि ऐसा क्यों किया तूने, बता मेरे को क्यों किया। फिर उसके बाद उधर से किशोर जी आ जाते हैं और सुरभि को देख के थोड़ा साहस देते हैं। फिर सुरभि थोड़ा साहस लेके अपनी बात रखने की कोशिश करती है और फिर कार्तिक से कहती है कि कार्तिक ये मैं नहीं हूँ, मेरा कोई हमशक्ल है। और ये ऐसा वो बोल रही, कभी कभी हमारी भी आंखें धोखा खा जाती हैं। फिर उसके बाद ताई कहती है नहीं यही सुरभि है, कोई और दूसरा नहीं है। फिर कार्तिक भी नहीं मानता है। फिर उसके बाद ताई फिर से एक और चाल चल देती है और कहती है कि मैंने सुना था कि ये अपने पापा के अकाउंट में पैसा डालने के लिए बोलती है, मैं ऐसा सुनी रहती हूँ, जिसमें वो 25 लाख कुछ कहीं पर दूसरे के अकाउंट में ही डालने के लिए बोल रही थी। फिर उसके बाद कहती है कि अगर नहीं मेरे पे भरोसा है तो मैनेजर को कॉल करके पूछ। बैंक में कॉल लगाता है और ट्रांजैक्शन डिटेल मांगता है जिसमें बैंक वाले कहते हैं कि हाँ ट्रांजैक्शन हुई है 25 लाख से सुरभि के नाम पर। फिर उसके बाद ताई फिर से चाल चल देती है और कहती है सुरभि बेटा मेरे को ये नहीं चाहिए, मैंने तेरा शादी किया लेकिन तुझे मैंने मालिक नहीं बनाया और ये मेरी गलती है और ये ले तू चाबी अपने पास रख आज से और इस घर की मालकिन तू है। फिर उसके बाद कार्तिक को गुस्सा आ जाता है, सुरभि का हाथ पकड़ के उसे ऊपर कमरे में लेके जाता है। उसके बाद कार्तिक और सुरभि कमरे में आ जाते हैं और कार्तिक दरवाज़ा बंद करके सुरभि से पूछने लगता है, सुरभि बताओ ये तुमने क्यों किया है, क्यों किया बताओ, प्लीज़ बताओ सुरभि क्यों किया तुमने ऐसा। फिर उसके बाद कार्तिक थोड़ा रोने लगता है और फिर सुरभि कहती है नहीं कार्तिक मैं वो नहीं हूँ जो आप वीडियो में देखे हो, ये किसी की चाल है और मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ। फिर उसके बाद कार्तिक गुस्सा हो जाता है, कहता है तुम नहीं बताना चाहती हो ना तो मत बताओ, लेकिन तुम अभी नीचे जाओ और बाकी लोगों से माफ़ी मांगो।
फिर उसके बाद सुरभि कहती है कि कार्तिक, जब मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं है तो फिर मैं उन लोगों से माफ़ी क्यों मांगूं। फिर इसके बाद कार्तिक और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है तुम नहीं माफ़ी मांगोगे ना, तो फिर चलो। उसके बाद कार्तिक सुरभि का हाथ पकड़ के बाहर नीचे लेके आता है। फिर उसके बाद और सुरभि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, जब तक मैं संतुलित नहीं हो जाता इस गंभीर समस्या से, आप तब तक मेरे घर से आप चले जाइए। और फिर उसके बाद उसे डोर तक लाके उसे घर से बाहर निकाल देता। बाकी ताई, प्यारे और बिंदु सभी लोग खुश हो जाते हैं और उसे छोड़ने के लिए दरवाजे तक आते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से सुरभि चली जाती है। फिर ताई कहती है कि ये अगर ये शेरनी है तो मैं बब्बर शेरनी हूँ, मैं इससे भी ज़्यादा बड़ी खिलाड़ी हूँ। ये समझती है क्या है, अगर ये कोई गेम खेलेगी तो मैं उससे भी बड़ा गेम खेलेगी। और उसके बाद सुरभि यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे सुरभि देखती है तो किशोर कार्तिक भी देखता ही रहता है उसे, लेकिन फिर उसके बाद सुरभि वहाँ से चली जाती है। सो गाइस, ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन बाय बाय।